चुकीचे नॅरेटिव्ह सेट करण्यात आलेले आहे. संविधान बदलण्याचा विरोधकांनी अपप्रचार केलाय, तर 400 पारशा नाऱ्यामुळे लोकांना काहीतरी गडबड होणार असं वाटलं आणि त्यामुळे आम्हाला निवडणुकीमध्ये फटका बसल्याची कबुली मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी दिली आहे. तर सोयाबीन, कापूस आणि कांद्यामुळे सुद्धा निवडणुकीमध्ये फटका बसल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलंय. त्यासाठी लवकरच केंद्रीय कृषी मंत्र्यांची भेट घेणार असल्याचं शिंदेंनी म्हटलंय. कुछ फॉल्स नरेटिव सेट करने की वजह से ये कुछ जगह पर हमें नुकसान हुआ है, महाराष्ट्र में भी नुकसान हुआ है. संविधान बदलेंगे, संविधान बदलेंगे, ये होगा, रिजर्वेशन जाएगा, फलाना होगा, कुछ कुछ भी नहीं होने वाला था. लेकिन 400 पार वाला आंकड़ा जो है उसके वजह से लोगों के दिमाग में एकदम ऐसी बात हो गई कि ये सब आगे जाके कुछ गड़बड़ होगी. ये अभी चुनाव में थोड़ा हमको तकलीफ हो गई, ये प्याज की वजह से नासिक की तरफ में प्याज ने रुला दिया. मराठवाड़ा और विदर्भ में कपास, मराठवाड़ा और विदर्भ में सोयाबीन और कपास,